The internet is full of bro science, fake knowledge, half information or propaganda. Your quest of reliable, authentic health information ends here. So subscribe this channel and hit the bell icon and you never have to go anywhere else ever again. Hello everyone, how are you today? I am Dr. Paramjeet aur aap dekh rahe hain Dr. Education. दोस्तों एग्ज़ाम्स के टाइम शुरू हैं, एग्ज़ाम्स आ रहे हैं, बहुत लोग पढ़ाई करते हैं, बहुत लोग स्टूडेंट्स हैं और ये वीडियो है उन लोगों के लिए जो पढ़ाई करते हैं और एग्ज़ाम के टाइम पे आपको क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, डाइट कैसी रखनी चाहिए, उसका क्या फ़ायदा होगा, क्या नुकसान होगा। एग्ज़ाम डाइट आज आपको हम समझाएंगे, एग्जामिनेशन डाइट, परफॉर्मेंस डाइट, कैसे आपकी डाइट आपका परफॉर्मेंस कम कर सकती है, बढ़ा सकती है, क्या रोल है, क्या लॉजिक है, वो आज हमको आपको बताएंगे। आइए बात करते हैं एग्जाम डाइट। देखिए एग्जाम के टाइम पे बहुत जरूरी है कि आप अपने डाइट का ख्याल रखें। अगर आप सही टाइम पे खाना नहीं खाएंगे, फास्टिंग कर लेंगे तो आपके अंदर एनर्जी आएगी, ज्यादा देर खाना नहीं खाओगे तो एनर्जीज कम हो जाएगी। एनर्जी स्टोर कम होगा तो नंबर वन पढ़ाई करने का समय भी कम होगा, कंसंट्रेशन भी कम होगा और जितने आपकी मेमोरी होगी वो भी उतनी नहीं रिटेन हो पाएगी। सबसे बड़ा प्रॉब्लम। नंबर दो प्रॉब्लम है, कई लोग एग्जाम के टाइम पे मीठा खा लेते हैं, कुछ नहीं खाते और मीठा खा लेते हैं, वो भी गलत है। आपकी मीठा खाने से क्या होता है, तुरंत आपको नींद आने लग जाती है क्योंकि इंसुलिन स्पाइक होता है। इंसुलिन स्पाइक होता है तो वो सारा मीठा शुगर अंदर तो जाता है, एनर्जी देता है कुछ देर के लिए और एकदम अंदर अंदर जाके थोड़ी देर बाद इंसुलिन क्या करता है, वापस शुगर डाउन कर देता है और आपको पहले तो नींद आएगी और उसके बाद फिर भूख लगने लग जाएगी, फिर नींद आएगी, फिर भूख लगेगी। तो अगर मीठा खाओगे तो इसी चक्रों में पड़े रहोगे, ध्यान एग्जामिनेशन पढ़ाई की तरफ कम पड़ जाएगा, अगेन नींद आएगी, कंसंट्रेशन कम, इफेक्टिव स्टडी टाइम कम हो जाएगा। सो मीठा, स्वीट्स, चॉकलेट्स, इसको थोड़ा कम रखना है। डार्क चॉकलेट अलग चीज़ है, डार्क चॉकलेट खा सकते हो थोड़ी सी। डार्क चॉकलेट के बारे में एक इम्पॉर्टेंट अच्छी चीज़ यह है कि डार्क चॉकलेट्स में जो कैफीन होता है, जो चोको होता है, कोकोआ होता है, दैट इज़ गुड फॉर योर ब्रेन। तो थोड़ी बहुत डार्क चॉकलेट आप खा सकते हो, ठीक है, बट लिमिटेड क्वांटिटी, शुड नॉट बी द मेन थिंग विच यू आर ईटिंग, ये याद रखिए, ठीक है, ध्यान रखो। तो ओवर ईटिंग एक और बड़ा प्रॉब्लम है, कई लोग बहुत ज़्यादा ओवर ईटिंग कर लेते हैं। ओवर ईटिंग अगर आप करोगे तो ओवर ईटिंग में क्या हो जाएगा, आप अगेन स्लीपीनेस आ जाएगा, अगेन नींद आएगी, डाइजेशन का प्रॉब्लम आएगा, हो सकता है। तो इन सब चीज़ों में कहाँ पढ़ाई में आप कॉन्सेंट्रेट कर पाओगे। सो नो ओवर ईटिंग, नो स्वीट्स, नो फास्टिंग। और तीसरी चीज़ है पानी, लोग पानी नहीं पीते, कई लोग इंपॉर्टेंट चीज़ हाइड्रेशन भूल जाते हैं एग्जाम टाइम पे। अगर आप पानी नहीं पियोगे तो बॉडी को हाइड्रेशन नहीं मिलेगा, बोलते मैं यूरिन भी नहीं जाना चाहता हूँ, लेकिन आपके बॉडी के अंदर जितने भी केमिकल रिएक्शंस होते हैं, जो ब्रेन में सिग्नल्स बनने हैं, जो भी एक तरीके का केमिकल, सबको पानी चाहिए। विदाउट वाटर यू आर नॉट गोइंग टू एक्चुअली इफेक्टिवली यूज एनीथिंग, ब्रेन भी यूज नहीं होगा सही से, वो भी यूज, पानी बहुत ज़रूरी है। और कई लोग चिप्स पे और कुरकुरे पे और ये वो सिंपल फाड़ के खाने वाली चीज़ों पे ज़्यादा अपने रिलाई कर लेते हैं, या तो हाई शुगर वाले बिस्किट्स खा लेंगे, या तो हाई फैट, हाई सॉल्ट वाली, इन सब चीज़ों में जो स्नैक्स आते हैं, जो बाहर के प्रिजर्वेटिव वाले, हाई सॉल्ट वाले स्नैक्स आते हैं, उन सब पे खाने, उनसे क्या होगा, स्नैक्स से क्या होगा, नंबर वन इंपॉर्टेंट चीज़ आपको देखना है, आप थोड़े देर के लिए हो जाते हो हाइपर एक्टिव, क्योंकि आपके अंदर सॉल्ट ज़्यादा चलता है, बीपी बढ़ जाता है, हाइपर एक्टिव बन जाते हो, लेकिन फिर क्या होता है, स्लोली स्लोली यू बिकम मोर इरिटेटिव। देखा जाए ना बच्चे कितने एग्जाम टाइम में इरिटेटिव हो जाता है, तो कई लोग एक्चुअली इन कारणों की वजह से ज़्यादा इरिटेटिव हो जाते हैं, बिकॉज ऑफ दीज हाई सॉल्ट, हाई शुगर, हाई फैट फूड्स, राइट, इरिटेटिव, हाइपर एक्टिव एंड मूडी हो जाते हैं। सो यू डोंट वॉन्ट दिस, अगर आप एक्चुअली अपने परफॉर्मेंस बेटर करना चाहते हो, सो यू डोंट वॉन्ट दिस काइंड ऑफ थिंग। तो प्राइमरी रिसोर्स उसको नहीं रखना है कभी भी, रिमेंबर दिस। फिर इम्पॉर्टेंट चीज़ है आपके मूड को सही रखने के लिए भी वो जरूर। फिर आगे बात आती है ब्रेकफास्ट, कई लोग ब्रेकफास्ट करते ही नहीं, कई लोग बहुत हैवी ब्रेकफास्ट कर लेते हैं कि भाई मैं तो हैवी ब्रेकफास्ट भी अच्छा नहीं है, बहुत ज़्यादा एक साथ खा लेना आपके डाइट के लिए, आपके दिमाग के लिए सही नहीं है। और साथ ही कई लोग स्मोकिंग, अल्कोहल करने लगते हैं, स्मोकिंग अल्कोहल विल ऑल्सो कॉज अ प्रॉब्लम। अगर आप स्मोकिंग करेंगे तो
कुछ देर के लिए आपको टोबैको स्टिमुलेट करेगा, क्या कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा, लेकिन उससे आपके ब्लड फ्लो कम हो जाता है दिमाग में इधर उधर. एक्चुअली इफेक्टिव स्टडी टाइम आपका उससे भी कम होता है. अल्कोहल इज ऑल्सो बैड, उससे तो भाई नींद आने लगेगी, पेट खराब होगा, दिक्कत आएगी, दैट इज ऑल्सो नॉट अ गुड प्रैक्टिस. सो रिमेंबर, ये सारी चीज़ें खराब है, एग्जाम स्ट्रेस खराब है, ये सब नहीं खाना है. तो क्या खाना है, क्या खाने के लिए आप नेक्स्ट वीडियो देखिए हमारा जो डूज में आएगा. ये वीडियो है डोंट्स, तो ये सब नहीं करना है. तो क्या खाने के लिए अगला वीडियो देखिएगा. देखते रहिए डॉक्टर एजुकेशन. मैं हूँ डॉक्टर परमजीत, आप देख रहे हैं डॉक्टर एजुकेशन. बाय बाय.